हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आयशा केक्स एंड क्राफ्ट्स। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आज हम बनाएंगे एनिवर्सरी केक। इसको हम पाइनएप्पल फ्लेवर में बनाएंगे। सबसे पहले मैंने क्रीम में पाइनएप्पल क्रश मिलाया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर मैंने 10 इंच का बोर्ड लिया है, थोड़ा सा क्रीम बोर्ड पर लगाया और उस पर फर्स्ट लेयर को रखा। ये हमारा एगलेस केक है। मैंने लेयर को वाटर से सोक किया है, उसके ऊपर थोड़ा सा क्रीम लगाया, क्रीम में पाइनएप्पल क्रश मिलाया हुआ था, उसको अच्छे से पूरी लेयर पर फैला दिया है। उसके ऊपर हम थोड़ा सा पाइनएप्पल क्रश लगाएंगे, उसको भी पूरी लेयर पर अच्छी तरह से फैला देंगे। इसके बाद हम दूसरी लेयर इसके ऊपर रखेंगे, इसी तरह से इसके ऊपर भी हम क्रीम लगाएंगे, उसको पूरी लेयर पर अच्छे से फैलाएंगे। फिर उसके ऊपर पाइनएप्पल क्रश लगाकर उसको भी इसी तरीके से पूरी लेयर पर हम फैला लेंगे। फिर इसकी थर्ड लेयर हम रखेंगे और लास्ट में हम इसकी थोड़ी सी क्रीम लेकर क्रम कोटिंग करेंगे। क्रम कोटिंग करने के बाद इसको मैंने फ्रिज में रख दिया है। अब हम इसकी दूसरी लेयर तैयार करेंगे। मैंने एक टिश्यू पेपर लिया है, उस पर थोड़ा सा वाटर डाला है। इसलिए किया है क्योंकि दूसरी लेयर हमारी छोटी है तो वो टर्न टेबल पर बहुत खिसक रही थी। इसको टिश्यू पेपर लगाने से तो स्टेबल रहता है एक जगह। अगर आप टिश्यू पेपर नहीं लगाते हैं तो आप एक गीला कपड़ा भी लगा सकते हैं। इसी तरीके से हम दूसरी लेयर को भी तैयार करेंगे। मैंने क्रीम में थोड़ा सा येलो कलर मिला लिया था क्योंकि यहाँ पर मैंने स्पंज वाइट कलर का बेक किया है। पहले मैंने स्पंज येलो कलर का था तो मैंने उसमें वाइट क्रीम यूज़ किया था। अब इसमें मैंने थोड़ा सा येलो कलर मिला के थोड़ा येलो क्रीम यूज़ किया है। अब इसी तरीके से क्रीम लगाने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा पाइनएप्पल क्रश डालेंगे, फिर इसकी लेयर लगाएंगे, फिर इसी तरीके से इस प्रोसेस को करेंगे और ये वाला केक भी हम अच्छे से रेडी कर लेंगे। इस केक का भी हम क्रम कोट करके इसको थोड़ी देर के लिए हम फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। जब तक ये हमारा सेट होता है ये वाला केक, तो हम दूसरी लेयर को निकाल लेते हैं, उसकी फाइनल कोटिंग करते हैं। फ्रेंड्स, जब तक मैंने छोटा वाला केक रेडी करा था, इतने में ये क्रम कोट इसका अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसको हम रेडी करते हैं। इस पर मैंने पहले वाइट कलर का क्रीम अप्लाई करा है पूरे केक पर। इसको सेट करने का ज़रूरत नहीं है। मैंने थोड़ा सा पीच कलर का क्रीम नीचे बेस पर दिया है, हल्का सा बॉर्डर दिया है। इसको पूरे केक पर इसी तरीके से हम बॉर्डर देंगे और इसको पैलेट नाइफ की हेल्प से थोड़ा सा हम प्लेन कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं जैसे मैंने पहले बताया था, मैं पैलेट नाइफ यूज़ नहीं करती, मैं उसकी जगह पर स्केल यूज़ करती हूँ। अब हम इस पर स्क्रैपर की हेल्प से डिज़ाइन बनाएंगे। स्क्रैपर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। इसी तरीके से हम दूसरा केक भी रेडी करेंगे, उसके ऊपर भी हम वाइट क्रीम लगाएंगे। पूरे केक को वाइट क्रीम से कवर करने के बाद नीचे बॉर्डर पर हम पीच कलर की क्रीम लगाएंगे। जैसे हमने पहली लेयर रेडी करी थी, इसी तरीके से हम इसको भी रेडी करेंगे। पीच कलर लगाने के बाद स्क्रैपर की हेल्प से सेम डिज़ाइन इस पर भी हम बना देंगे। स्क्रैपर से डिज़ाइन बनाने के बाद ऊपर एजेस पे थोड़ी क्रीम आ गई थी तो उसको पैलेट नाइफ की हेल्प से उसको हम हटा देंगे। एकदम सॉफ्ट हैंड से उसको क्लीन करना है। ये हमारा रेडी हो गया है। अब इसको हम बड़ी वाली लेयर के ऊपर एकदम आराम से इसको रखना है। मैंने थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ रखा है, आगे मैंने थोड़ा इसमें स्पेस मुझे ज़्यादा चाहिए था तो मैंने इसको थोड़ा सा पीछे रखा है। सेंटर से मैंने इसमें स्टिक लगा दिया है, हल्का सा क्रीम लगा के ऊपर से इसको स्मूथ कर दिया है। ये वाइट और पीच कलर का कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लग रहा था। मैंने इसको ऊपर से पूरा एकदम स्मूथ कर दिया है। अब मैंने इसमें N1 नोज़ल लिया है, उसकी हेल्प से हम इसके टॉप पर रोज़ेट बनाएंगे। मैंने इसमें पीच कलर का ही क्रीम लिया है, उससे मैं कुछ रोज़ेट बनाऊंगी। अब नीचे वाली लेयर पे भी हम कुछ रोज़ेट बनाएंगे, जैसे सेम ऊपर बनाया था, लेकिन इसके हम अपोजिट साइड में हम रोज़ेट बनाएंगे। इसी तरीके से मैं कुछ बोर्ड पे भी रोज़ेट बनाऊंगी। अब जो लास्ट लेयर थी उसके अपोजिट हमें बनाना है। मैंने नीचे भी बोर्ड पे भी रोज़ेट बना दिया है। अब नोज़ल चेंज करके मैंने स्टार नोज़ल लगा लिया है और इसकी हेल्प से इस पर हम थोड़े फ्लावर्स बनाएंगे। डॉट डॉट करके इस पर फ्लावर्स बनाने हैं। इसको हमें
हाफ केक पर ही बनाना है। इसका शेप हमें जैसे क्रिसेंट मून होता है ना, उस तरीके से हमें इसका शेप देना है। इसी तरीके से हम नीचे वाली लेयर पे भी हम थोड़े से डॉट डॉट्स बनाएंगे इसी तरीके से, और उसको भी अच्छे से सेट कर लेंगे। और नीचे बोर्ड पे भी हम इसी तरह से कुछ फ्लावर्स बना देंगे। और बॉर्डर मैंने गोल्डन बॉल्स से दिया है। गोल्डन बॉल्स से जो बॉर्डर दिया था ना, वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और कुछ मैंने रोज़ेट के ऊपर भी गोल्डन बॉल्स लगा दिए हैं। डॉट्स के ऊपर मैंने मीडियम बॉल लगाए हैं, रोज़ेट के ऊपर मैंने लार्ज वाले गोल्डन बॉल्स लगाए हैं। मैंने जितने भी छोटे छोटे फ्लावर्स बनाए थे वो डॉट फ्लावर्स, उनके ऊपर भी मैंने स्मॉल वाले गोल्डन बॉल्स सब पर मैंने लगा दिए हैं। वो उसके बाद केक बहुत ही सुंदर लग रहा था। इसी तरीके से हम पूरे केक पर गोल्डन बॉल्स लगा देंगे। और अब हम इस पे केक के साइड में हम गोल्डन फ्लेक्स लगाएंगे। गोल्डन फ्लेक्स से केक का लुक और भी सुंदर लगने लगा था। सॉरी ये रिकॉर्डिंग में नहीं आया है, मेरा कैमरा थोड़ा गलत एंगल पर रखा हुआ था। नेक्स्ट टाइम मैं इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखूँगी। पूरे केक पर हम गोल्डन फ्लेक्स लगा देंगे, ऊपर की लेयर पर भी और नीचे की लेयर पर भी। थोड़े सा गोल्डन फ्लेक्स मैंने रोज़ेट के ऊपर भी लगा दिया है। देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। पीच कलर, वाइट कलर और गोल्डन का जो कलर कॉम्बिनेशन था ना, वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। मैंने पूरा केक पर गोल्डन फ्लेक्स भी लगा दिया, गोल्डन बॉल्स भी लगा दिया है। अब हम इस पर सिल्वर कलर स्प्रे करेंगे। सिल्वर फुसफुस होता है ना, उससे मैं पूरे केक पर करूँगी। इसके बिना मेरा कोई भी केक रेडी नहीं होता, ये मेरे सारे केक्स पर जाता ही है। इसको करने के बाद तो केक और भी सुंदर लगने लग जाता है। मैंने काफ़ी अच्छे से इस पर सिल्वर कलर लगाया। इसके टॉप पर भी मैंने लार्ज साइज़ के गोल्डन बॉल्स लगाए, मीडियम साइज़ के और स्मॉल साइज़ के, मैंने तीनों साइज़ के इस पर बॉल्स लगा दिए हैं। नीचे वाली लेयर्स पे भी मैं इसी तरीके से गोल्डन बॉल्स लगाऊंगी। पूरे पे मैंने गोल्डन बॉल्स लगा दिए हैं इस पर, छोटे बड़े साइज़ के गोल्डन बॉल्स डालने के बाद। टॉप पर मैंने इस पर एनिवर्सरी का गोल्डन कलर का टैग लगा दिया है। और ये नॉन एडिबल बटरफ्लाइज हैं। एक बटरफ्लाई हम ऊपर वाली लेयर के सेंटर में लगाएंगे। मैं इस पे टोटल 3 बटरफ्लाइज लगाऊंगी। एक मैंने सेंटर पे लगाया है, एक नीचे वाली लेयर पर लगाया है। एक स्लैंटिंग लाइन में हमें बटरफ्लाइज को लगाना है, तो मैंने नीचे लगाया है। और एक मैं इसके टॉप पर रोजेट पर बटरफ्लाई लगाऊंगी। इसको थोड़ा सा इफ़ेक्ट देने के लिए इसके नीचे मैंने थोड़ा सा क्रीम से इसको ऊपर कर दिया है, जिससे बटरफ्लाई अच्छे से दिखाई दे। बटरफ्लाई लगने के बाद केक और भी सुंदर लगने लगा। बनने के बाद तो ये केक बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ये है हमारे केक का फाइनल लुक। फ्रेंड्स, ये केक का डिज़ाइन और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।